नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं अभय प्रियदर्शी। बिहार बीजेपी के द्वारा चिराग पासवान को वोट कटवा कहे जाने पर राजद ने बड़ा हमला बोला है। राजद ने कहा कि बीजेपी वोटवा कटवा कहकर चिराग पासवान को प्रताड़ित और अपमानित कर रही है। पहले भी रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजने को लेकर एनडीए के नेताओं ने काफ़ी कुछ कहा, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई और अंततः वह हमारे बीच नहीं रहे। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि रामविलास पासवान की वजह से ही बिहार एनडीए को लोकसभा में 39 सीटें मिली। बीजेपी और जदयू को इतनी ताकत नहीं थी कि वो अकेले 39 सीटों को ला पाते, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद लोजपा को लगातार अपमानित किया जाता रहा। राजद प्रवक्ता ने कहा एनडीए फ्यूज बल्ब है और इस बार जनता को कोई कंफ्यूजन नहीं। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को एनडीए में लगातार अपमानित किया जाता रहा। जब वो जीवित थे, अस्पताल में भर्ती थे, तो जेडीयू बीजेपी के नेता कह रहे थे कि हम लोगों ने राज्यसभा सदस्य उनको बनाया, और ये नहीं बोले कि उनकी वजह से, रामविलास पासवान जी की वजह से एनडीए को 39 सांसद मिले बिहार से। रामविलास पासवान जी मानसिक दबाव और अपमानित जो किया गया उनके कारण से उनकी जान चली गई, और आज भी बीजेपी अपमानित कर रही है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र श्री चिराग पासवान जी को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, उनकी पार्टी को वोट कटवा बताया जा रहा है। कौन वोट कटवा होगा, किसकी निकलेगी हवा, ये 10 नवंबर को चुनाव परिणाम में पता चल जाएगा। अब सभी बिहार के दलित भाई, वंचित भाई, शोषित भाई, बिहार का नौजवान, किसान, मजदूर सब तैयार है तेजस्वी यादव जी को ताकत देने के लिए, और एनडीए पूरी तरह से बिहार में फ्यूज बल्ब है। अब जनता कोई कन्फ्यूजन में नहीं है, जनता अब कन्फ्यूज होने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बननी तय है। जय तेजस्वी, तय तेजस्वी। इस बार मृत्युंजय तिवारी आगे कहते हैं कि इस बार बिहार की जनता ने मन बना लिया है, 10 नवंबर का इंतजार कीजिए और इस बार तेजस्वी तय हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। नमस्कार।